हेलो फ्रेंड्स, मीना कुक्स में आपका स्वागत है। आज हम बनाने जा रहे हैं फेमस स्ट्रीट फूड रेसिपी पाव भाजी। पाव भाजी बनाने के लिए हमने लिया है ये चार आलू है, जिसे बॉईल करके मैश करके लिया है। ये 1/4 kg फुल गोभी लिया है, जिसे मैंने हल्दी डाल के बॉईल करके ग्रेट करके लिया है। ये धनिया पत्ती है, 2 शिमला मिर्च है जिसे हमने बारीक कट करके लिया है। ये 1 कप ग्रीन पीस है, मटर जिसे भी हमने बॉईल करके लिया है। ये 3 बड़े साइज़ के प्याज है जिसे हमने बारीक कट करके लिया है। ये 3 टोमेटो है जिसे हमने क्रश करके लिया है। ये 100 ग्राम अमूल बटर है। 1 टीस्पून हमने रेड चिल्ली पाउडर, कश्मीरी रेड चिल्ली पाउडर लिया है। 2 टेबलस्पून हमने पाव भाजी मसाला लिया है। ये 1/2 टीस्पून हमने हल्दी पाउडर ली है। 1 टीस्पून हमने धनिया पाउडर ली है। 1/2 टीस्पून जीरा पाउडर है। नमक हमें स्वाद अनुसार लगेगा। और ये जिंजर पेस्ट है जो हमें 1 टीस्पून लगेगा। ये गार्लिक पेस्ट है जो हमें 1 टीस्पून लगेगा। और ये हरी मिर्च का पेस्ट है, ये भी हम 1 टीस्पून लेंगे। आइए फ्रेंड्स, अब हम पाव भाजी बनाना शुरू करते हैं। कढ़ाई मैंने पहले ही गैस पर रखी है। अब मैं इसमें थोड़ा सा ऑयल डालूंगी। इसमें हम 1 चम्मच बटर डालते हैं। हमारा ऑयल और बटर गर्म हो चुका है। इसमें हम ये शिमला मिर्ची डालेंगे। गैस का फ्लेम हमने मीडियम रखा है। इसमें ही हम ये फ्लावर डालेंगे, फूलगोभी। ये मटर है। ये बॉइल आलू। इसके साथ ही हम ये टमाटर भी डाल देंगे। गैस का फ्लेम थोड़ा कम करेंगे, इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। सब्जियों को हमने अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब हम ये थोड़े थोड़े मसाले इसमें ऐड करेंगे। ये नमक है 1 टीस्पून, रेड चिल्ली पाउडर 1/2 टीस्पून, पाव भाजी मसाला 1 टीस्पून, हल्दी पाउडर 1/4 टीस्पून, धनिया पाउडर 1 टीस्पून और थोड़ा सा जीरा पाउडर। इसे भी हम अच्छे से मिक्स करके लेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, अब हम इसे मैश करके लेंगे। सभी चीज़ें अच्छे से मैश हो जानी चाहिए। हमने इसे थोड़ा सा मैश कर लिया है, पर इसे वापस से हम 10-1 मिनट के लिए ढक्कन डाल के बॉईल करेंगे। देखिए फ्रेंड्स, हमने 10 मिनट इसको रखा था। अभी इसे वापस से थोड़ा सा मैश करेंगे। ये हमने कढ़ाई में का मिक्सचर बाहर निकाल लिया है और गैस की फ्लेम वापस ऑन कर ली है। अब इसमें हम ये थोड़ा सा ऑयल डालेंगे, 1 टेबलस्पून ऑयल, और इसमें हम ये 1.5 चम्मच बटर डालेंगे। ऑयल के गर्म होने के बाद हम इसमें ये प्याज डालेंगे। इसमें से थोड़ा प्याज हम गार्निशिंग के लिए बचा लेंगे। यह हमारा प्याज 1-1.5 मिनट के लिए पक चुका है। अब हम इसमें ये जिंजर पेस्ट डालेंगे 1 टीस्पून, गार्लिक पेस्ट 1 टीस्पून और हरी मिर्च का पेस्ट 1 टीस्पून। हमने
जिंजर गार्लिक और हरी मिर्च की पेस्ट को प्याज के साथ एक मिनट के लिए भून लिया है। अब हम इसमें बाकी की चीज़ें ऐड करेंगे। एक कश्मीरी रेड चिली पाउडर है, धनिया पाउडर है, जीरा पाउडर, हल्दी पाउडर, थोड़ा सा नमक एक टीस्पून, और पाव भाजी मसाला डेढ़ टीस्पून। सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये हमारा मसाला अच्छे से भून चुका है। अब हमने जो पहले पेस्ट बना के लिया था ये सब चीज़ों का, ये इसमें ऐड करेंगे। इसमें धनिया पत्ती डालेंगे, सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स करेंगे। अब हम इसमें ये थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे, जितना आपको पतला चाहिए उस हिसाब से आप पानी ऐड कीजिए। और पाव भाजी थोड़ा सा मीडियम कंसिस्टेंसी का ही अच्छा लगता है। अब हम इसे वापस से थोड़ा सा मैश करेंगे और सब चीज़ें अच्छे से मिक्स करेंगे। ये हमारी पाव भाजी अभी बन के तैयार हो चुकी है। इसके ऊपर 5 मिनट के लिए हम ढककर रखेंगे। आइए फ्रेंड्स, अब हम ये ढककर हटा लेते हैं। हमारी पाव भाजी बहुत ही अच्छी बनी है, कलर भी बहुत ही अच्छा आया है। तो एक बार स्टर करके लेते हैं और उसे सर्विंग प्लेट में निकाल लेती हूँ मैं। आइए फ्रेंड्स, अब हम पाव भाजी के पाव फ्राई करके लेते हैं। ये बटर हमने लिया है, इसमें हम ये थोड़ा सा धनिया पत्ती डालेंगे और सिर्फ थोड़ा सा पाव भाजी मसाला स्प्रिंकल करेंगे। ये पाव मैंने बीच में से कट करके लिया है। अब हम इसे सर्विंग प्लेट में निकालें। ये देखिए फ्रेंड्स, हमारी पाव भाजी बन के तैयार हो चुकी है। ये बहुत ही अच्छी बनी है, आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिए। और अगर मेरी ये रेसिपी आपको पसंद आती है तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।